अधिकार की लड़ाई से ज्यादा कर्तव्य बोध के पथ पर हम चलेंगे और अपनी अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन करेंगे और उस जिम्मेवारी का निर्वहन करते हुए चौमुखी विकास, हर क्षेत्र में विकास का जो आधार रख रहे हैं, जिसका शिलान्यास उन्होंने किया उसी का उद्घाटन कर रहे हैं। और बिहार, उन्होंने कहा था कि बिहार के बिना देश विकसित नहीं हो सकता, जब तक बिहार विकसित नहीं होगा। और बिहार को विकसित करने के लिए बिहार के अंदर हर तरफ आप देखें कि रेलवे के क्षेत्र में हो, आधारभूत संरचना में हो, पेट्रोलियम के क्षेत्र में हो, नभ में और स्थल पर, हर क्षेत्र में विकास की गति बढ़ रही है। आज 4 वंदे भारत ट्रेन, जो 1 वंदे भारत ट्रेन लखनऊ अयोध्या से होकर जा रही है, न्यू जलपाईगुड़ी तक जा रही है, कलकत्ता से लेके रांची तक, चारों तरफ आज हर बिहारी को, हर बिहार के लोगों को ये सुविधा प्रदान की जा रही है। आज बिहार के अंदर कहीं ना कहीं पूरी तरह से नई रेलवे लाइन, आमान परिवर्तन, 1 स्टेशन 1 उत्पाद, गुड सेट, जन औषधि आदि समेत नए वंदे भारत ट्रेनों का जो उपहार प्रधानमंत्री जी दिए हैं, हृदय से आभार उनके प्रति। हर बिहारी अपने इस नेतृत्व पर गौरवान्वित है और परिवर्तन साफ झलकता है, साफ दिखाई पड़ता है, विकास को गति और देश को प्रगति के पथ पर ले जा रहे हैं। मोदी सरकार की गारंटी, विकसित भारत के आधुनिक रेलवे का स्वरूप भी दिखाई पड़ रहा है। आज हमारी गति बढ़ी है, स्पीड बढ़ा है, देश का विकास का स्पीड बढ़ा है, देश का मान सम्मान स्वाभिमान भी बढ़ा है। और आज 85,000 करोड़ से अधिक परियोजनाओं का शिलान्यास उद्घाटन के लिए हर बिहारी, देश के प्रधानमंत्री, हर देश के भारतवासी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति अपना आभार व्यक्त करेगा। यात्री सेवा और सुविधा के क्षेत्र में देश की तरक्की हम सभी के लिए गर्व का विषय है। हम तो चाहेंगे कि इस धरती पर जो भी जन्म लिया है, किसी जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा का है, सबको ये सुविधा समान रूप से सबका साथ सबका विकास के भाव के महामंत्र से मिलता है। पुनः एक बार आभार व्यक्त करते हुए सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की।